कहते हैं कि नियम कानून बस गरीबों के लिए होता है, रसूखदारों के लिए नहीं। ये बात अमरोहा के सांसद दानिश अली ने बहुत हद तक साबित कर दी है। आज से महज कुछ दिन पहले हमने देखा कि कैसे दिल्ली में दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग पैदल चलकर घर आने की कोशिश कर रहे थे। तमाम दिक्कतों के बाद जब वो यूपी पहुंचे तो कई जगहों पर उन्हें लाठी डंडे से पीटा गया। लेकिन वहीं यूपी के अमरोहा से बसपा सांसद दानिश अली बड़े आराम से दिल्ली से कानून की धज्जियां उड़ाते हुए अमरोहा पहुंच गए। हैरत की बात यह है कि सांसद साहब को यूपी आने से किसी ने नहीं रोका। जब सांसद साहब को इस बारे में पूछा गया तो उनका जवाब था कि हम अपने लोगों के दिक्कतों का जायजा लेने आए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग को मानते हुए अपनी गाड़ी अकेले खुद चलाते हुए अमरोहा पहुंचे हैं और हमारे पास बकायदा परमिशन लेटर भी है। जनता के बीच में जाके देखा क्या सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम चीजों का ख्याल रखा जा रहा है, इसके बारे में देखिए कोशिश की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए और मैं स्वयं अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करके घूम रहा हूँ। इस समय आप दिल्ली से अमरोहा आए हैं तो कैसे आए अमरोहा साहब? मैं बाकायदे परमिशन लेके आया, मेरे पास परमिशन है और मैं स्वयं अपनी गाड़ी ड्राइव करके आया। मैंने सोशल डिस्टेंसिंग का और लॉकडाउन का जो सरकारी नियम है उसका पूरा पालन किया। अपनी गाड़ी खुद अकेला ड्राइव करके मैं आया हूँ। यहाँ भी आप देखेंगे, अभी मैं जाऊँगा अपनी गाड़ी। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए महामारी से भी बात की, जिलाधिकारी से बात की, सीएमओ से बात की और दूसरे अधिकारियों से बात की कि क्या तैयारी है प्रशासन की इस महामारी से लड़ने में। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री से भी हमने बात की और उनको अवगत कराया कि बिजली विभाग में कई गड़बड़ियां हैं, बिजली के बिल ज़्यादा आते हैं लोगों के, फिर बाद में उसको सेटलमेंट करने के लिए दबाव पड़ता है, किसानों को बिजली पूरी नहीं मिल पा रही, 18 घंटे बिजली देने की बात होती है लेकिन 8 घंटे भी नहीं मिलती। हमारा ये कहना है कि लगातार बिजली मिले, भले ही चाहे 8 घंटे मिले 6 घंटे मिले किसान को। वाह नेताजी वाह, इसे कहते हैं रसूख। किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर धनवान को कांटा चुभे तो पूरे शहर को खबर होती है, निर्धन को सांप भी काटे तो भी किसी को मालूम नहीं होता। अमरोहा से बी एस आर्या के साथ कृपा शंकर झा, यूपी तक।